अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट एंड सेवीज बाय शेफ्स। मेरा उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि हमारी कोई भी रेसिपी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज जो वीडियो आपके लिए बन रही है, जो आपके लिए रेसिपी बन रही है, वो ना रोज़मर्रा सीरीज़ के उस हवाले से कोई रेसिपी है ना ही कोई फरमाइश है। आज एक छोटा सा हमने सोचा एक स्पेशल शो करें, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएं। यूँ तो आई थिंक इन रिश्तों के लिए कोई एक ख़ास दिन नहीं होना चाहिए। हम सबको पता है कल संडे 14th में मदर्स डे है, कोई ख़ास दिन नहीं होता। ये तो छोटे छोटे ऐसे रिश्ते होते हैं कि ये आप हर रोज़ ही इनको अप्रिशिएट करते हैं। वाई अ स्पेसिफिक डे, मुझे तो ये समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें मौका मिलता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएँ और इसी तरह से खुशियाँ बाँट सकते हैं हम। तो कल जैसे कि आपको मैंने बताया मदर्स डे है, आप लोगों को लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि आज जो हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे उसमें एक रेसिपी मैं मम्मी के लिए बनाऊंगी जो उनकी पसंद की है, और एक रेसिपी वो मेरे लिए बनाएंगी जो मेरी पसंद की है। तो मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी। उसका रीज़न ये है कि हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है हनी कोम ब्रेड, शी लव्स दिस ब्रेड, और माशाल्लाह ब्रेड ये बनती भी बहुत अच्छी है। तो ये थोड़ी सी लेंदी रेसिपी है, यूँ क्योंकि इसको हम आटा गूंदेंगे और फिर इसको राइस करने रखना है। तो जब तक हम आटा गूंदेंगे और इसको राइस करने रखेंगे, फिर हम इसका सिरप आपके सामने बनाएंगे और तब उसके बाद फिर मम्मी आपसे शेयर करेंगी जो वो मेरे लिए रेसिपी बना रही है। तो चले आएँ आपको हम बताते हैं कि हनी कोम ब्रेड बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लेंगे छना हुआ मैदा 3 कप, मैदा हैज़ टू बी सीव्ड, ठीक है, 3 कप ये हम कैनवर्ड में डालेंगे। ये मैं अपने आटा कैनवर्ड में गूंदूंगी, बिल्कुल आप हाथ से गूंद सकते हैं लेकिन मशीन में अच्छे से गूंद जाएगा। ये 3 कप्स ये पूरा मेजर्ड है, लेकिन मैं आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर, क्योंकि बेकिंग में आपको मैंने बताया है कि ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं चलती। ठीक है, अब इसमें चला गया 3 कप्स फ्लार। फ्लार के बाद मुझे चाहिए यहाँ पर ईस्ट, ईस्ट होती है खमीर, ठीक है, ये कोई सी भी आप इंस्टेंट ईस्ट लेंगे 1.5 टीस्पून ईस्ट। साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट 1/2 टीस्पून, मिल्क पाउडर, कोई भी आप वाइटनर नहीं जाएगा इसमें, कोई भी मिल्क पाउडर जाएगा, ठीक है, 2 टेबलस्पून। ठीक है, अंडा इसमें जाएगा 1-2 अंडे हैं, दूसरा हम ब्रेड को ब्रश करेंगे। ये बेकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, सॉरी बीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने पैन को भी ग्रीस कर रख लिया है। शुगर यहाँ पर जाएगी हमारे पास 3 टेबलस्पून, ये सब पहले हम एक साथ मिक्सर में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, 3 टेबलस्पून्स ये चली गई। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, कोई भी आपका कुकिंग ऑयल, ये जाएगा 1/4 कप, ये मेरे पास है 1/2 कप, तो 1/2 कप मैं 1/2 ले लेती हूँ। इसका आटा जो है बहुत सॉफ्ट गूंदता है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, अच्छा मिल्क हैज़ टू बी ल्यूक वॉर्म, ठीक है, पहले मैं 1/2 कप डालूंगी और फिर मैं देखूंगी अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे सारा, एक वैसे इसमें 1 कप जाता है लेकिन पहले मैं 1/2 डालूंगी क्योंकि एकदम से पतला ना हो जाए, 1/2 तो जाएगा, 1 अंडा भी गया है, तेल भी गया है, तो 1/2 दूध तो इसमें डेफिनेटली जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने एक पैन को, किसी भी केक पैन को आप ग्रीस कर लो ऑयल से, ब्रश के साथ आप इसको ग्रीस कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने क्या करना है। अब हम एक बोल को ग्रीस करेंगे इसी तरह से जिस तरह हमने अपने पैन को ग्रीस किया है, वो हम क्यों करेंगे कि जब आटा हमारा गूंद जाएगा फिर हम इस आटे को इसमें डालकर और किसी गर्म जगह पर राइस करने रखेंगे। आजकल तो गर्मियाँ हैं, ये 20 मिनट्स में राइस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर कंबाइन कर लिया, मैदा, ईस्ट, मिल्क पाउडर, तेल, नमक, चीनी
और हमारा मिल्क पाउडर, ठीक है, ये अंडा, ये सारी चीज़ों को अब हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। ले रही हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो हम ऐड, कम लग रहा था हाफ कप, अब मैं इसमें और डाल रही हूँ हाफ कप, ये पूरा एक कप चला गया दूध। बहुत अच्छे से इसको बीट करेंगे जब तक ये सारा अच्छे से गुन जाए। एक कप, अच्छा, अगर आपको दूध डालने के बाद भी फील हो रहा है कि पानी या किसी लिक्विड की ज़रूरत है तो आप इसमें क्वार्टर कप ल्यूकवार्म पानी डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, मैं थोड़ा सा इसको और बीट करूँगी। ये देखें बहुत अच्छे से ये हमारा आटा, ये देखें ये इसी तरह होना चाहिए, स्टिकी। अब हम इसको हैंडल कैसे करेंगे, हम इसको हैंडल करेंगे हाथों में तेल लगाकर, वरना ये आपसे हैंडल नहीं होगा। आपको अपने हाथ में हल्का सा तेल डाल के और फिर हम इसको हैंडल करेंगे। आटा जितना सॉफ्ट होगा ब्रेड आपकी उतनी सॉफ्ट बनेगी। साफ अपने हाथों को आप वॉश करके और फिर प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से हमने इसको गूंद लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, तेल लेके और हम इसको राइज होने रखेंगे ग्रीस किए हुए बोल में। ये देखा आपने, स्टिकी है और सॉफ्ट है, यही इसका टेक्सचर होना चाहिए। जितना सॉफ्ट होगा उतना आपकी ब्रेड सॉफ्ट मेल्ट इन योर माउथ बनेगी। ग्रीस किए हुए बोल में इसमें आपने इसको रख दिया इस तरह से। इसके ऊपर हम क्लिंग रैप लगाएंगे और किसी भी गर्म जगह पर इसको रख देंगे, या आप माइक्रो में रख दो, या आपका कोई भी हॉब है चूल्हे के पास, आप चूल्हा जला के भी रख सकते हो। अभी तो आजकल कराची में, पाकिस्तान में तो एटलीस्ट इतनी गर्मी है कि ये कहीं भी आराम से हो जाएगा। आपको बताती हूँ कि हनी कॉम ब्रेड का जो सिरप बनेगा वो हनी से, शुगर से और ज़ाफ़रान से, ये किस तरह बनेगा जी। अब हम यहाँ पर बनाएंगे हनी कॉम ब्रेड का शुगर सिरप, जिसके लिए मुझे चाहिए क्वार्टर कप पानी, क्वार्टर कप बस। हाफ कप इसमें जाएगी चीनी, शुगर, और सैफ्रॉन, ज़ाफ़रान इसमें हम ऐड करेंगे क्वार्टर टीस्पून, या आप अपने पसंद से ज़्यादा कम कर सकते हैं। आपको पता है मुझे ज़ाफ़रान ज़्यादा पसंद है तो मैं क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी हनी में बाद में डालूँ। चार चीज़ों से बनता है हनी कॉम ब्रेड का सिरप, शुगर हाफ कप, वाटर क्वार्टर कप, सैफ्रॉन हाफ टीस्पून या क्वार्टर टीस्पून, एंड हनी 2 टेबलस्पून्स। ब्रेड का डो हमने राइस करने रख दिया, सिर्फ अब दो चीज़ें हमारी उसमें रह गई हैं, तीन। एक तो हम स्टफिंग करेंगे क्रीम चीज़ की क्यूब वाली, और ऊपर से हम उस पर तिल और स्प्रिंकल करेंगे और अंडा फेंट के ब्रश करेंगे। अब इसको हमने कितनी देर पकाना है, जब तक कि ये अच्छा थिक हो जाए, बिल्कुल थिक नहीं होगा जैसे, लेकिन अच्छा प्रॉपर एक उस पे आ जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए शुगर तो डिज़ोल्व हो गई है, शुगर डिज़ोल्व हो गई। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून हनी, ये देखें 2 टेबलस्पून शहद हनी, आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों ने खाई होगी। आज आप मेरी रेसिपी से बना के देखना कि आपको कैसी लगेगी। इसकी फिलिंग, इसकी स्टफिंग बहुत सारी डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है, मैं क्रीम चीज़ से करूँगी। बहुत सारे लोग चॉकलेट से करते हैं, चॉकलेट स्प्रेड से करते हैं, बट मम्मी डजेंट लाइक चॉकलेट, तो शी लव्स क्रीम चीज़। आप कोई भी क्रीम चीज़ ले लो, आप खीरी ले लो, हैप्पी काउ ले लो, जो बाहर लोग हैं दुबई वगैरह में, मिडल ईस्ट में, वो अल्मराइड ले सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो ले सकते हैं। मैंने हैप्पी काउ ली है जो क्यूब वाली होती है, ठीक है, बॉटल वाली नहीं, जो क्यूब वाली होती है, उसके आप छोटे क्यूब्स बना के और फिर हम उसकी स्टफिंग करेंगे।
मिनिमम 20 मिनट्स होता है, मैक्सिमम 30 मिनट्स। वेदर जब अगर ठंडा है तो 30-35 मिनट्स भी लग सकते हैं, बट अभी मैंने उसको रख दिया है तो 20 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। बस इसका चूल्हा मैं जब बंद करूँगी फिर हम वापस चलेंगे अपने टेबल की तरफ और हम मम्मी को इनवाइट करेंगे। बल्कि आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मैंने छोटा सा एक उनके लिए अरेंजमेंट भी किया है, जिसमें जैसे एक चाय का, उसमें भी मैंने उन्हीं की 2 से 3 पसंद की चीज़ें बनाई हैं। वो मुझे पता है आप लोगों की 100% फरमाइश आएगी कि वो भी सिखा दें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वो भी सिखाऊंगी। अभी मैं आपको नहीं बता रही क्या बनावा है क्योंकि मम्मी इधर ही है, तो शी डज़ नॉट नो व्हाट हैव आई मेड, इसलिए। बट जब वो देख लेंगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊँगी। ये देखें क्या इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद, ये ठंडा होके थोड़ा सा थिक होगा। ठीक है, इसका चूल्हा बंद हो गया, सिरप हमारा रेडी है, ब्रेड का डो हमारा राइज हो रहा है। चलें अब हम काउंटर को अपनी टेबल की तरफ चल के और मम्मी को इनवाइट करते हैं और देखते हैं कि वो मेरे लिए क्या बना रही हैं और आप लोगों को क्या सिखा रही हैं। आपको हमने कहा था कि अब हम मम्मी को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो मेरे लिए क्या बना रही है। मुझे समझ तो आ गया है वो क्या बन रहा है, लेकिन चलें अब आपको वो खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और मदर्स डे के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं अपनी माओं के लिए? मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि एक दिन माँ के लिए काफ़ी नहीं है, कभी भी नहीं है। माँ के लिए हर रोज़ होता है। जो शादीशुदा हैं उनको मैं कह रही हूँ, प्लीज़ अपनी माओं को वक्त दीजिए, उनसे रोज़ फ़ोन पे बात करिए, जा नहीं सकते तो कॉल करें। अब तो क्या मसला है, पूरी दुनिया से फ्री कॉलिंग है व्हाट्सएप पे। कॉल देम एंड स्पीक टू देम, अपनी आवाज़ सुनाएं, उनकी आवाज़ सुने, दुआएं लें। कब दुआ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा फिर मेरी तरह बैठ के पछताएँगे। डोंट डू दैट, ठीक है? अच्छा, सुमेरा को क्या पसंद है मुझे आज तक नहीं पता, बिकॉज वो कुछ खाती नहीं है। सही बात, वो सिर्फ कॉफ़ी पीती है सारा दिन, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। और कौन सी कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी। मैं आपको सिखा दूँ, पानी गर्म करके कॉफ़ी रख के उसमें घोल देती हूँ। मैंने सोचा जो कॉफ़ी मुझे पसंद है और इसको भी पसंद है, अगर ये कॉन्शियस ना हो अपनी वेट की तो बहुत मज़े की बनती है एक्सप्रेसो कॉफ़ी। अब चुटकी में आपके घर सर्दियों में जो लोग रहते हैं कनाडा वगैरह में, उनके लिए तो झटपट बनती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपने सॉस पैन में नहीं, हम अपने ब्लेंडर में डालेंगे। ये 1 कप कॉफ़ी का बता रही हूँ, 2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून कॉफ़ी, थोड़ी सी बचा रही हूँ ऊपर टॉप के लिए, और मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून हीप्ड एनी गुड क्वालिटी फुल क्रीम पाउडर मिल्क। ठीक है, और मैं ले रही हूँ 1/2 कप मिल्क, सॉरी 1/2 कप वाटर, एंड 1 कप मिल्क। इसको मुझे बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है। जब बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी और उसको ब्लेंड करूंगी, फिर खोलता हुआ एकदम से ऊपर से डाल बॉईल करूं। ठीक है, आप बॉईल कर देंगे, डाल सकते हैं, जरा सा बहुत कुछ कर सकते हैं। पानी को और दूध को आपको अच्छी तरह से बॉईल करना है। जब उसमें बहुत अच्छा उबाल आ जाए, जोश आ जाए, तो मैं थोड़ा सा पानी उसमें से लेकर डालूंगी, उसको ब्लेंड करूंगी और फिर कप में निकालेंगे और बाकी गर्म खोलता हुआ दूध और पानी उससे डालूंगा। कॉफी पियोगे या चाय पियोगे हनी कोम के साथ? आप यही पी लेना। अच्छा, और मेरे लिए बन रहा है, वेरी नाइस। उसमें तो चीनी होती नहीं है, कैरमल फ्रैपुचिनो पीती है, वो भी बड़ा वाला।
तो आई लव कैरेमल फ्रैपेचिनो विदाउट द टॉपिंग विदाउट क्रीम वो कैरेमल हट जाती है आई लव इट अच्छा मम्मी मैंने छोटा सा एक आपके लिए सेटअप किया है बहुत छोटा सा अब वो आप अंदर चलना ड्राइंग रूम में फिर आपको बता दूंगी ड्राइंग रूम में कौन आ रहा है कोई भी नहीं आपके लिए किया है मतलब जरूरी है कभी कभी तो कर ही सकते हैं ना अभी मैंने कहा था माँ के लिए बिल्कुल एक स्पेशल डे नहीं होता माँ एवरी डे शुड बी अ मदर्स डे यू शुड गिव योर मदर सरप्राइज चलो नॉट एवरी डे बट बड़ा दिन छोटा दिन होता है बर्थडे होती है ईद होता है बड़ा दिन छोटा दिन है करना चाहिए माँओं को बहुत आप लोगों को ये रिश्ते सिबलिंग्स मम्मी ये वैसे भी सिबलिंग्स हो गए आपके फैमिली हो गई ये रिश्तों के लिए कोई एक दिन तो स्पेसिफिक होना ही नहीं चाहिए अब तो वैसे ही लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है ये देखें ये खोल गया है ये मैं डाल रही हूँ अब इसको मैं ब्लैक और ये जो बचा हुआ है ये एकदम खोलता हुआ होना चाहिए कप में डालने के लिए ठीक है इसको हम ब्लेंड करें बिल्कुल रिच कॉफी बनी है खोलता हुआ दूध इसके ऊपर ताकि आपकी कॉफी ठंडी ना हो जाए ठीक है या थैंक यू लेकिन ये पियेंगी आप हाँ कुछ नहीं देखो एक तो माँ बना के दे रही है इतने प्यार से कह रही है दूध वाली है इतना दूध मम्मी कितना दूध है आप ये सोच रहे आधा कप दूध है आधा कप पानी और वो आपने जो नीरो डाला है इसमें और चीनी दो चम्मच मैं वैसे भी इतना एक ही दूध वाली कॉफी पीनी है ना पिया चलें अब मैं लेके आती हूँ अपना डो जो बहुत अच्छा राइज हो चुका है और हम जल्दी से ब्रेड को फॉर्म करते हैं उसकी स्टफिंग करते हैं और उसको बेक करते हैं ताकि जब तक आप बेक करिए स्टफिंग कीजिए मैं नमाज पढ़ देखें हमारा डो कितना ज़बरदस्त राइज हो चुका है मैंने कहा था ना ये मौसम के हिसाब से अब हम क्या करेंगे इसको पंच डाउन करके और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और यहाँ पर आप ये देखो ये हमने हैप्पी काउ की मैंने आपको बताया था चीज़ लेके ट्रायंगल्स होते हैं हैप्पी काउ के और उसको हमने इस तरह से क्यूब में काट लिया ठीक है आप अलमराई ले सकते हो खीरी चीज़ क्रीम चीज़ ले सकते हो जो भी अब हम इसको पंच डाउन करेंगे और हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और इसमें फिर हम इसको अरेंज करेंगे कोई आटा नहीं कोई मैदा नहीं कुछ नहीं कोई ऑयल नहीं देखो कुछ भी नहीं बस मेक श्योर कि ये आपका बिल्कुल फर्म होना चाहिए क्रैक्स नहीं हो इसमें बिल्कुल इस तरह से इसको आप छोटा भी कर सकते हो बड़ा भी कर सकते हो जिस तरह आपको पसंद है आप करो मुझे ये वाला साइज़ पसंद है इसलिए क्योंकि ये अभी और भी एक दफ़ा इसको हम सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे इस तरह से हम सारे बॉल्स बना के और अपने पैन में हनीकॉम ब्रेड का पैन भी मिलता है मेरे पास है वो पैन बट आज तक मैंने उसमें बनाया नहीं है क्योंकि मेरी आदत हो गई अब यही वाला शेप बनाने की तो अब मैं किसी भी केक के पैन में बना लेती हूँ अब केक के मोल्ड में बना लो चीज़ केक के उसमें बना लो जिसमें भी आपका दिल हो बीच में गैप वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है ये देखेंगे ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होगा राइज हो रहा है इसके बाद बस हम इसको 5 मिनट ही देंगे राइस करने के लिए उसी तरह किसी भी वार्म प्लेस पे आप रख दो तो ये अच्छे से राइस हो जाएगा पूरा इसी तरह कवर करना है मैं कर रही हूँ मेक श्योर कि ये इवन होने चाहिए अब देखो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना कोई
मैदा, ना कोई ऑयल। आपको मैंने बताया था आप स्टफिंग अपने हिसाब से, आपको जो पसंद है आप कर सकते हो। चीज़ डालो, चॉकलेट डालो, आप जैम डालो, जो आपको पसंद है। इसमें ये पूरी एक बड़ी ब्रेड बन जाती है। 3 कप मैदा। सिरप भी यहाँ पर रेडी है, आप ये देखो। आपको मैंने कहा था ना ये थिक हो जाएगा, ये देखो। अब सिरप यूज़ किस तरह करते हैं सिरप को? सिरप इसी टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे, गरम ब्रेड पे सिरप को हम ऊपर से डालते, ड्रिजल नहीं करते, स्प्रिंकल नहीं करते, बहुत अच्छे से पोर करते। गरम ब्रेड एंड ल्यूक वार्म सिरप। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना इस 3 कप में ये पूरी एक ब्रेड बन जाती है। अब इसको थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी राइज होने। यहाँ पर जो मेरे पास ब्रश किया हुआ अंडा है, हम इस पर हल्का सा अंडा ब्रश करेंगे। इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। आप मिल्क भी लगा सकते हो। किसी किसी को अगर अंडे से एलर्जी है तो यू कैन ऑलवेज ब्रश मिल्क ऑल्सो। सेसमी सीड्स, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए मैं इसको दोबारा एक दफा प्रूफिंग के लिए रखूंगी। एंड दिस इज गोइंग इन द ओवन फॉर अबाउट 25 to 30 मिनट्स। इसको बेक करके और फिर हम इसको निकाल के और आपसे मिलते हैं अपने टी ट्रॉली पर। वेलकम बैक। ये हमारी हनीकॉम ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हमने निकाला अपने प्लेटर में और मैंने आपको बताया था ब्रेड गर्म होगी और हमारा जो सिरप था वो रूम टेम्परेचर होगा। वो हमने इसके ऊपर पूरा पोर किया है, ड्रिजल नहीं किया है, ठीक है? आप देख रहे हो जाफरान सारा आ गया, फ्रेश फ्लावर से सजा दिया। ये मम्मी आपके लिए। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। आपको कैसा लगा ये? ये फालसे का जूस है, मैंने आपको बताया था मैं जब सर्व करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। मम्मी का फेवरेट है फालसे का जूस, शी लव्स। मेरे रेसिपी तो इन्हीं की है पर इनको मेरे हाथ का पसंद है। तो ये मैंने बना दिया था सुबह, इसको मैंने फ्रीजर में बिल्कुल ठंडा चिल कर दिया था। ये हम इनको सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने सैंडविचेस बनाए, ट्रीट है आज मेरे लिए। हाँ, ट्रीट है, ट्रीट। और सैंडविचेस भी देखो आपके ही पसंद के। इनको चिकन सैंडविचेस, हंटर बीट सैंडविचेस नहीं पसंद। शी लव्स ग्रीन चटनी के सैंडविचेस एंड बॉइल्ड एग के सैंडविच एंड आई लव नट्स। तो मैंने सुबह इनके लिए ये बना दिए थे, साथ में थोड़ा सा फ्लैटर बना दिया था। आप वो पी लो, कैसा बना ये बता दो। खट्टा ज्यादा तो नहीं है? चीनी ठीक है? परफेक्ट। हाय, मेरी क्या खातिरें हो रही हैं। अल्लाह सबको ऐसी बेटियां दे। नहीं, आई वांट बॉइल्ड एग, आई लव एग्स। इसीलिए मैंने चटनी के नहीं बनाए, मैंने बॉइल्ड एग बनाए, आई मीन चिकन के नहीं बनाए, बॉइल्ड एग एंड चटनी के बनाए। मुझे इतना अजीब लग रहा है, आप लोग भी आ जाए ना सब हमारे घर। रियली आ जाए, गलती हो गई इसमें ना, हमें बोलना था। तो जो आना चाह रहा है आ जाए, हमसे मिल भी लेंगे, मदर्स डे भी इंजॉय कर। मैं कितना खाऊंगी। ये देखें ब्रेड हमारी, दिखाओ प्रेस करके। हाँ ये, सॉरी मैं करा रही हूँ, ये यहाँ बैठी हुई है, ये करेंगी। ओह वाओ, ये देखें, पक्की बात है सही। अब आप पहले बाइट लो ना, चीज आ रही है आपके मुंह में। चाय, आज शाम की चाय मम्मी ने नहीं पी थी, मैंने कहा इनको चाय। चीज, इट्स यम। अच्छा, बल्कि मुझसे कुछ एक दिन पहले किसी ने ट्रॉली का भी पूछा था। मैंने ये देखो चीज,
ये देखें चीज, ये आपकी चाय भी है। अब मैं चाय पीऊं या मैं फाजे का जूस पीऊं? कॉफी तो आप छोड़ दो, कॉफी ठंडी हो गई है। नहीं, कॉफी हम गर्म कर लेंगे। आप चाय पी लो और जूस पी लो। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। आपसे इजाजत लेते हैं, कल इंशाल्लाह मदर्स डे है, कल आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त सा व्लॉग आ रहा है। थोड़ा सा हिंट आपको मैंने दे दिया था कि मम्मी को हम ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ इन दो जगह इनको बहुत पसंद है और जहाँ जाके बहुत खुश हो जाती हैं। ऑफ कोर्स खर्चा मेरा कराएंगी, खुद नहीं करेंगी मेरे लिए, मैं खुद कराऊंगी। बिल्कुल मैं कराऊंगी। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे, शॉपिंग ही होगी और कुकिंग के ही हवाले से होगी, क्योंकि जब हम इस तरह के प्रोफेशन में होते हैं तो हमें वहीं जाके मज़ा आ रहा होता है जहाँ पर हमारी काम की चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह कल आप व्लॉग हमारा ज़रूर देखिएगा जो कि मदर्स डे का व्लॉग होगा। मैं सैंडविचेस भी चख लो ना, ताकि क्योंकि मुझे पता है अभी फरमाइश आने वाली है। डेफिनेटली वो कहेंगे हमारे व्यूअर्स के जो आपा के लिए आपने बनाया था वो हमें भी बना के सिखाएं। तो आई एम श्योर ये मेरे फेवरेट सैंडविचेस हैं और चटनी के। और आज तुमने तो नहीं बनाए होंगे? मैंने बनाए, अलग ना बनाते। नो, मैंने बनाए बिल्कुल भी नहीं, आज मैंने बनाए। शी मेक्स अमेजिंग सैंडविचेस। अच्छा, हमारे ब्लॉग में जाते जाते, चूंकि कल मदर्स डे है और मदर्स डे 14 मई को है, तो मैं अपनी बहुत प्यारी सी बहन फरीदा, उसकी कल बर्थडे है, तो मेरी और इसकी फेवरेट खाला भी है। खैर, खाला तो इसकी दोनों ही फेवरेट है। मोर लाइक अक्सर ये होता है कि कुछ कुछ चीज़ें पहले होता था कि मैं इनसे छुपा लेती थी कि माँ है, यू नो, कुछ अपसेट होगा, कुछ होंगी, तो मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती थी। बस वो मेरा और उनका एक इतना अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा है। एंड मैंने आपको आई थिंक एग्जैक्टली खट्टी दाल वाले शो में उनके बारे में जिक्र कर चुकी हूँ मैं। यू नो हु शी इज़, आई विल कन्विंस हर कि वो आएँ ताकि आप उनसे मुलाकात करें और आपको पता लगे कि ये तो मेरी पहली माँ है, तो मेरी दूसरी माँ कौन है, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा इनक्रेज किया हर चीज़ में और हमेशा मेरा साथ दिया आज भी। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, आज जो मुझे लगता है जो इतना मुझ में पेशेंस है, जो सब्र है, वो उनकी वजह से, क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो इतना सब्र करती हैं, वो इतनी पेशेंट हैं, बस वो उनको देख देख के आई थिंक मैंने भी उसी तरह से सीखा। तो शी इज़ वन ऑफ अ, थैंक यू काइंड, लिटरली शी इज़ वन ऑफ अ काइंड। तो एग्जैक्टली हैप्पी बर्थडे टू खाला। बहुत प्यारी बहनें हैं मेरी, दुआ अल्लाह ने, दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत मीठी हैं, मीठी जैसे कहते हैं ना, मीठी बहनें मेरी। भाई को सलाम, आपके भाई, भाई तो मेरे दोनों हीरा हैं, क्या कहूँ, दोनों मामू माशाल्लाह, मामू मामी एवरीबॉडी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड। मैं मम्मी को अक्सर यही कहती हूँ कि बड़े हैं तो सब कुछ है, बड़ों के दम से सब कुछ होता है। एंड ऑफ कोर्स ये मदर्स डे का भी यही आई वुड लाइक कि मैं आपको यही मैसेज दूँ कि बड़ों की दुआएं, इनसे बढ़ के दुनिया में कोई नेमत नहीं, कोई तोहफा नहीं, कुछ भी नहीं। जब तक बड़े हैं उनकी दुआएं लेते रहें, उनकी खिदमत करते रहें, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने खस के एक बोल बोलना है, एक फ़ोन पे प्यार से उनसे बात करनी और उनका दिल इतना खुश हो जाता है। आई एम अ मदर, आई नो हाउ इट फील्स। तो ऑफकोर्स आप सबको भी पता ही होगा कि एक छोटा सा कोई प्यार से आपसे लफ्ज बात कर ले और वो आप सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इंशाल्लाह कल आपसे एक पपी दे दे जी। Thank you for watching us. Inshallah, kal aapse vlog mein mulaqat hogi. Allah.